उचित यह है कि पहले चीज़ तो मार्केट का सर्वे कर लेना चाहिए, किस किस पॉइंट पर इसका ज़्यादा डिमांड है, और उसके सर्वे के हिसाब से फिर जो है फार्मर लोग जो है उसमें जब तुड़ाई करने के लिए 50 से 55 दिन पर रेडी रहेंगे, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय पानी की कमी न हो, और उसकी तुड़ाई करते समय उसमें जो मूछे या जीरा आने की संभावना रहता है, तो वो चीज़ जो है उसके पहले ही, उसमें दाना पड़ने के पहले ही इसकी तुड़ाई की जाती है। और तुड़ाई जब करते हैं तो कोशिश करें शाम के समय इसकी तुड़ाई की जाए, जिससे इसमें मॉइस्चर न उड़ने पाए। और तुड़ाई करने के साथ साथ इसकी ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी होती है। ग्रेडिंग करने के लिए इनका जो 3 ग्रेड है, उसका फर्स्ट ग्रेड है आपका सुपर, तो उसमें इसकी साइज़ जो है लगभग 11 से लेकर के 13 सेंटीमीटर इसकी ये कॉप की लंबाई रहती है, और उसका जो इसका डायमीटर रहता है लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। तो ये जो है कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी में रहता है। सेकंड कैटेगरी में 7 सेंटीमीटर से लेकर के 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ रहता है, और इसमें 1.4 से लेकर के 1.5 उसका जो है डायमीटर रहता है। और थर्ड कैटेगरी जो लगभग 5 सेंटीमीटर से नीचे की साइज रहेगी और उसमें मोटाई जो है ज़्यादा हो सकता है, तो वो थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसको सावधानी यही रखना होता है कि हम जो है मार्केट में जो चॉइस है कि उनकी लेंथ बढ़िया होना चाहिए, तो उनकी ग्रेडिंग करके ही मार्केट को ले जाएं। किसान भाइयों, बेबी कॉर्न को आपको किस रूप में रखना है ये आप पर निर्भर करता है। यदि इसे तुरंत बाजार में बेचना है तो ग्रेडिंग के तुरंत बाद इसकी पैकिंग कर इसे बेचा जा सकता है। इससे अधिक मुनाफा कमाने के लिए इसका मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। मूल्य संवर्धन के लिए पहला चीज तो है कि उसको जब हार्वेस्टिंग करेंगे लगभग 50 से 55 दिन पे, तो उसको जब उसका दाना निकालेंगे, वो छीला निकालेंगे, तो उस समय उसकी साइज के हिसाब से ग्रेडिंग करके छांट लेना है। छांटने के बाद उसको जो है आप उसमें रेसे नहीं रहना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई कर दें। फिर अगर आप चाहते हैं कि उसकी मार्केट में आज ही बेचना है तो ग्रेडिंग करके पैकिंग कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि हम इसको जो है काफ़ी दिन तक रखेंगे, तब उसकी ब्लांचिंग किया जाता है, उसको गर्म पानी में नमक डाल करके हल्का बॉयल करते हैं और फिर उसके बाद उसको पैकेट में भरते हैं, या जो है कभी कभी उसको जो है सफाई करके उसको फिर डीप फ्रीज़र में डाल देते हैं उसका, जिससे कि मार्केट में वो ज़्यादा देर तक रोका जा सके। तो इस तरह से हम उसको मूल्य संवर्धन के लिए मार्केट में ले जाते हैं, लेकिन इसका बहुत डिमांड है बाज़ार में, तो इसको क्या कहाँ कहाँ हमें किसकी ज़रूरत है इसकी भी जानकारी रखना चाहिए। बेबी कॉर्न की मांग इन दिनों बाज़ार में बढ़ती जा रही है। 12,800 रुपया पर कुंटल पानीपत में बिक्री हुआ अभी एक हफ्ता पहले, तो अर्थात ये लगभग किलो के हिसाब से आप जो है 120 रुपये तक भी रेट जाता है किलो के हिसाब से, लेकिन यह जो है आपको 40-45 रुपये आराम से बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसको बढ़िया ढंग से तोड़ेंगे, ये जो खाया जाता है लगभग जो आँठी होता है ना मक्के का, वो आँठी ही है, उसमें दाना आने के पहले दाना आना आता है तो उसका क्वालिटी घट जाएगा। तो ये बीज जो है खेत में जब है ज़्यादा डालना चाहिए, लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेबी कॉर्न निकले और उसको क्वालिटी का चीज़ निकले। जिन किसान भाइयों ने बेबी कॉर्न की फसल लगा रखी है, यदि वे विशेषज्ञों की बातों को ध्यान में रखकर इसकी तुड़ाई करें और इसका मूल्य संवर्धन कर इसे बाजार में बेचें, तो वे इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।